हाय विजय बाड़ी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फुल चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं एक सेशन में। तो आप हमेशा बोलते हो कि थर्ड पार्ट कहाँ है, फोर्थ पार्ट कहाँ है, आपको मिल नहीं रहा है, तो इस एक सेशन में पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और इस एक सेशन में आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2020-21 बोर्ड एग्जाम्स के लिए यू गोइंग टू सिक्योर मोर देन 10 मार्क्स, क्योंकि ये चैप्टर 10 मार्क्स से ऊपर का आएगा। इस चैप्टर के मैप्स पहले आते होते थे, अब नहीं आ रहे हैं, सिर्फ थ्योरी में से क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते जहां भी मुझे लगेगा कि कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है या यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, दैट आई विल बी टेलिंग यू व्हाइल आई टीच। ठीक है, सो टेक नोट, इफ यू वांट टू टेक नोट्स यू कैन डू दैट। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा हिस्सा जरूर बन जाओ, livedaily.me/chat पे जाके एन अकेडमी 9th-10th ग्रुप को सिलेक्ट करके यू कैन बिकम अ मेंबर, जहां पे हम स्पेशल क्विजेस लेते रहते हैं ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप। एंड अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आपको दो फ्री चीजें मिलती हैं, एक मिलती है अनअकैडमी की क्विज विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी कैटेगरीज में है, आप 10th कैटेगरी में अपनी क्विज अवेल कर सकते हो, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स बच्चा, मैथ्स के लिए भी है, बायो के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है। और आपको मिलती है फ्री स्पेशल क्लासेस, तो जब आप रजिस्टर कराओगे ना देन यू कैन चूज योर क्लास सीबीएसई क्लास 10 और फिर आप किसी भी टीचर की कोई भी स्पेशल क्लास देख सकते हो विद द कोड शुभ लाइव। तो यहाँ एक स्पेशल क्लास का ऑप्शन आता है, उस स्पेशल क्लास में जाके आप देख सकते हो। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करवाया हुआ है, रिवीजन ली हुई है, मैराथॉन्स लिया हुआ है, यू कैन वॉच मेरी ही नहीं, अथर्व सर की, अर्श मैम की, प्रणय सर की, ऑल ऑफ द टीचर्स आर डूइंग स्पेशल क्लासेस देयर एंड यू कैन वॉच देम। अच्छा, बात आई अगर आपको 100 में से 100 सिक्योर करना है, बाई चांस अब बचे हैं सिर्फ 3-4 महीने, इफ यू थिंक यू वॉन्ट टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, अगर आप जीत की तैयारी करना चाहते हो, आप सिर्फ एक दो टीचर से नहीं, आपको जिन टीचर से पढ़ने का मन करता है उनसे पढ़ के आप 100 out of 100 लाना चाहते हो, देन दिस सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू बच्चा। ठीक है, तो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन तो मुझे दिखता है अगर आप सिर्फ क्लास 10th को टारगेट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप क्लास 10th, 11th and 12th तीनों क्लासेस में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो, तो आई थिंक द सब्सक्रिप्शन यू शुड ऑप्ट फॉर इज 18 months या 24 months वाला। अभी नो मैटर आप कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, हर सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है विद द कोड शुभ लाइव। तो शुभम मेरा नाम है एंड शुभ कम्स फ्रॉम दैट एंड लाइव इज आर प्लेटफॉर्म, सो लाइव कम्स फ्रॉम दैट एंड दिस विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 10% एंड डू थिंक अबाउट इट। एंड इफ एट ऑल यू कांट अफोर्ड दिस सब्सक्रिप्शन, नो प्रॉब्लम, इफ यू कांट अफोर्ड इट देन आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वी विल मेक श्योर कि जितना हम आपको फ्री में पढ़ा सकते हैं वी विल डू दैट फॉर यू। अगर दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसमें और ज्यादा फीचर्स हैं, एकेडमिक मेंटर, क्रिएटिव कॉर्नर, डूडलिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, सो इफ यू वांट कॉम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट और क्लास 11th और 10th के बीच में जो छुट्टियां आती है देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट बच्चा। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा बट अगेन फीचर्स आर मेनी मोर इन दिस सब्सक्रिप्शन। एनीवे मूविंग ऑन, अब हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर से। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रोहिणी एंड गुलशन, आपने लास्ट सेशन के सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दिया था यार, नाउ बी लाइक रोहिणी एंड गुलशन और हमारे सेशंस के कमेंट सेक्शन में जितने मैं आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर दे दिया करो, सो दैट आई ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस कि तुम्हें सिर्फ पढ़ के तुम भूल नहीं रहे हो, तुम कुछ चमक रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो बिकॉज ये फुल चैप्टर का सेशन है, इट डजेंट मीन कि मैं कोई लाइन यहाँ पे छोड़ूंगी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर टू यू टुडे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम नेशनलिज्म की भावना यूरोप में पैदा कहां से हुई उसके बारे में बात करते हैं, देशभक्ति की भावना। सेम चैप्टर हमारे इंडिया के लिए भी है, नेशनलिज्म इन इंडिया, बट ये पूरे यूरोप के लिए, पूरे कॉन्टिनेंट के लिए। तो जब पूरे कॉन्टिनेंट की बात आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस से पहले ऐसा कोई कंट्री नहीं था जिसने यू नो रेवोल्यूशन करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था 19th century का या 18th century का बोलूं मैं, 1789 का था, ये सबसे पहले सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो ये पहली आपको बात याद रखनी है दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट एवर क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म। अभी एक और बात आती है कि नेशनलिज्म से नेशन स्टेट आई, देशभक्ति से देश उत्पन्न हुआ, लेकिन जब देशभक्ति नहीं थी और नेशन स्टेट नहीं था तो क्या चल रहा था, तब दो चीजें चल रही थी। बहुत पहले जाओगे 16th-17th century में तो आपको पता चलेगा कि मोनार्की चल रही थी, राजा साहब का रूल चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स आने शुरू हो गए थे, जैसे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाएगा, लेकिन प्रॉपरली नेशन स्टेट नहीं आया था। नेशन स्टेट में एक्चुअली 3 फीचर्स होते हैं, एक तो होता है कि वहां पे सारे लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री होती है, ओके,
सारे लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री होती है, और वहां पे होता है कि सब लोग सिटीजन्स होते हैं, राजा के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, कॉमन आइडेंटिटी होती है, उनका कल्चर होता है, आपस में भाईचारा होता है, मतलब वो राजा के सगे कम होते हैं और आपस में यूनिटी उनकी ज्यादा होती है। जब आपको किसी भी मॉडर्न स्टेट में ये तीन फीचर्स दिखने लग जाए तो समझ जाओ कि नेशन स्टेट आने वाला है, और यही तीन चीजें आपको दिखी थी फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन। एनीवे, तो अब बात आती है कि ये फ्रांस में ये रेवोल्यूशन की ये जो भावना है, मान लो कहीं एक जगह से उत्पन्न होगी, किसी एक के दिमाग में आया कि यार ये मेरा देश है, मुझे देश के प्रति अपनी भावना को आगे रखना चाहिए, राजा के प्रति वाली भावना को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। तो ये भावना स्प्रेड कैसे हुई? ये भावना स्प्रेड हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई थ्रू द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने ये ठान लिया कि दिल दिल दिमाग दिमाग पूरे फ्रांस के दिल में और दिमाग में ये बात बिठा देंगे कि अब दौर आने वाला है क्रांति का। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत क्रिएटिव तरीके अपनाए बच्चा। उन्होंने ला पत्री ले सितोयन का कॉन्सेप्ट लाया, मतलब कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम फ्रांस के सिटीजन हैं। उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग बनाया, उन्होंने स्टेट जनरल को खारिज करते हुए नेशनल असेंबली स्टैब्लिश की जिसमें सिटीजन्स के हाथ में पावर थी। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, मतलब एक जगह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनते थे और पूरे फ्रांस में उन्हें फॉलो किया जाता था। उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को, इंटरनल कस्टम ड्यूटी मतलब फ्रांस के अंदर ही जो टैक्सेस थे उनको अबॉलिश कर दिया, और ऐसे ही अमेजिंग फीचर्स के साथ उन्होंने ये ठान ली आर्मी के साथ मिलके कि इस बात को हम अलग अलग जगह फैलाएंगे। यूनिफॉर्म वेइंग और सिस्टम आ गया, फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया। ये थोड़ा गलत किया एक्चुअली उन्होंने, रीजनल डायलेक्ट्स को थोड़ा डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया, लेकिन ये काम आया। सब लोग जो फ्रेंच बोलते थे उन्हें लगता था कि वो आपस में भाई भाई हैं। न्यू हाइंस वर कंपोज, न्यू ओथ्स वर टेकन, और अब हर घर और हर बच्चा हर बूढ़ा ये अब प्रण ले रहा था कि अब हमें इस डेस्पोटिज्म मतलब ये एब्सोल्यूट रूल जो चल रहा है राजा का उसके अंडर नहीं रहना है। वी वॉन्ट द पावर टू बी इन आर हैंड्स, हमें फ्रांस को रिपब्लिक बनाना है। नेपोलियन बोनापार्टे, लेकिन ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास नाइन्थ में आपने फुल फ्लेज्ड पढ़ा है इसका अंत थोड़ा दुखदायी हुआ था। 1789 में इतनी मुश्किल से जैकोबिन क्लब की वजह से जो ये रेवोल्यूशन आया था इसका अंत ये हुआ था कि रोबेस्पियर भी काफी डिक्टेटर बन गया था। रोबेस्पियर के मरने के बाद जो हमारा फ्रांस को बचाने आया था फ्रांस का मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन, वो भी डिक्टेटर बन गया था। तो फ्रांस का फेट ऐसा था बच्चा कि जब जब फ्रांस ने चाहा कि कोई डेमोक्रेसी लाए तब तब उसे डिक्टेटर मिला। अभी इस डिक्टेटर की बात करते हैं, व्हाट वाज हिज नेम वाज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट वैसे तो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करने में विश्वास रखता था, वैसे तो वो फिर से मोनार्की लाना चाहता था, डेस्पोटिज्म लाना चाहता था, लेकिन वो इतना बुद्धू नहीं था, वो थोड़ा सा स्मार्ट रूलर था। उसने ये जरूर समझा कि फ्रांस में अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो फ्रांस की इकोनॉमी आगे जाएगी, और इकोनॉमी आगे जाएगी तो लोग उसे भी पसंद करने लगेंगे। और बहुत एम्बिशियस था, सिर्फ फ्रांस पे रुकना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि पूरा यूरोप उसके कब्जे में आ जाए। इसीलिए उसने बनाया सिविल कोड ऑफ 1804। इस कोड को नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, एक तो फ्रांस वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, ये आएगा पेपर में, एक आएगा ले सितोयन ला पत्री का मतलब क्या है, और एक आएगा कि सिविल कोड का दूसरा नाम क्या था, या फिर आ जाएगा कि सिविल कोड का क्या ईयर था। तो ये चार क्वेश्चन अब तक के बनते हैं 1 मार्क के, आगे चलते हैं। तो ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 था इसमें इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचा, ट्रांसपोर्ट से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, इक्वालिटी बिफोर लॉ से लेके, राइट टू प्रॉपर्टी सबको मिलना चाहिए, फ्यूडलिज्म अबॉलिश कर देना चाहिए, वेइंग सिस्टम पूरे फ्रांस में एक जैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में इसने सोचा। इनफैक्ट इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया इसने, और इसने इक्वालिटी लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम देने में थोड़ा पीछे हट गया। अभी वही इसका डिमाइस का एक रीजन भी बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेपोलियन, जैसे वैसे तो नेपोलियन और फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी बोला जाता था, मतलब जहां जाएंगे फ्रीडम लेके आएंगे, तो नेपोलियन का डिमाइस क्यों हुआ, नेपोलियन के लोग जान के दुश्मन क्यों बन गए, नेपोलियन के जान के दुश्मन इसलिए बने क्योंकि नेपोलियन ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी।
इतनी मुश्किल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके लोगों ने वोटिंग राइट लिया था, वो वोटिंग राइट उनसे फिर से ले लिया गया था, और तो और नेपोलियन ने सेंसरशिप ले आई थी। सेंसरशिप क्या होता है बच्चा? सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट इज सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन? इफ यू हैव टू मेक अ प्ले, इफ यू हैव टू राइट अ सॉन्ग, इफ यू हैव टू मेक अ मूवी, आपको हर चीज के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और जब आपका इंडिविजुअल फ्रीडम ही नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये दो मेन रीजन बने नेपोलियन के अनपॉपुलर होने के धीरे धीरे यूरोप में। अब आती है बात की मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तो सिर्फ हमने फ्रांस का केस पढ़ा, लेकिन फ्रांस जैसा ही केस पूरे यूरोप में हुआ करता था। पूरे ही यूरोप में नेशन स्टेट जैसा कुछ नहीं होता था। इसमें आपकी बुक में ना एक केस स्टडी दी हुई है आपकी हैब्सबर्ग एम्पायर की, पर वो केस स्टडी आपको सिर्फ यही समझाना चाहती है कि पूरे यूरोप में अलग अलग तरीके के लोग थे, उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर नहीं था, सब लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट खाना खाते थे, डिफरेंट कपड़े पहनते थे, उनका लाइफ स्टाइल तक डिफरेंट था। उनकी एलिजियंस पता है? एलिजियंस मतलब वो ज्यादा अपने आप को सगा किससे मानते थे? राजा से मानते थे। सो देयर एलिजियंस यूज्ड टू बी टुवर्ड्स द मोनार्क एंड नॉट टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर को ले लो, यहां पे ऑस्ट्रिया एथनिसिटी के भी लोग थे, यहां पे सुडेंटन लैंड के लोग थे, अल्पाइन रीजन के थे, बोहिमिया के थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग विचार, लेकिन आपस में कोई भाईचारा नहीं था। इसके अलावा एक और चीज बताती हूँ, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। फ्रांस की जो सोसाइटी थी या पूरे यूरोप की जो सोसाइटी बोलोगे, वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइडेड थी। आज का इंडिया दिखता है ना आपको कि गरीब लोग ज्यादा है और अमीर लोग ज्यादा है, कुछ ऐसा ही था आपका यूरोप उस सेंचुरी में। तो मेजॉरिटी में कौन लोग हुआ करते थे? गरीब लोग। और माइनॉरिटी में कौन लोग हुआ करते थे? अमीर लोग। अभी फ्रांस के जो अमीर लोग होते थे बच्चा, उनको बोला जाता था एरिस्टोक्रेट्स। क्यों? क्योंकि इनके पास दो चीजें होती थी, एक तो पैसा, दूसरा लैंड। और पैसे से क्या आती है? पावर। तो ये सोशली भी पावरफुल थे और ये पॉलिटिकली भी पावरफुल थे। अभी अमीर लोग जहां पे भी रहे, इंडिया में रहे, यूरोप में रहे, उनका लाइफस्टाइल सेम ही होता है। तो ये यूरोप के जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, इनका सेम तरीके का पहनावा, सेम तरीके का कल्चर, सेम तरीके का रहन सहन था। इनफैक्ट नो मैटर इनकी मदर टंग क्या थी, ये लोग डिप्लोमेसी के लिए, मतलब अपनी पार्टीज वगैरह होती थी ना, गैदरिंग्स होती थी, तो वहां पे सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा सोफेस्टिकेटेड माना जाने लग गया था यूरोप में। ठीक है, बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे इनके, बड़े बड़े टाउन हाउसेस हुआ करते थे, कंट्री साइड में भी बहुत ज्यादा लैंड हुआ करता था, और ये लोग गरीब पेजेंट्स को क्या करते थे? तंग करते थे। इंडिया में जो जमींदारी सिस्टम चलता था ना, उसी का कुछ यूरोपियन काउंटर पार्ट होता है आपका फ्यूडलिज्म, जहां पे एक बड़ा सा लॉर्ड होगा और एक छोटे छोटे प्रेजेंस होंगे, और बड़ा सा लॉर्ड छोटे छोटे प्रेजेंस को क्या करेगा? हरास करेगा। तो एरिस्टोक्रेट्स वर वेरी वेरी पावरफुल, बट दे वर इन स्मॉल नंबर, और आपस के घरों में ही शादी करते थे, मतलब देयर हाउसेज एंड देयर सरनेम्स यूज टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद द टाइज ऑफ मैरिज, क्योंकि गरीब लोगों के घर थोड़ी शादी करेंगे अमीर लोग, है ना। आगे चलते हैं, पेजेंट्स। अभी पेजेंट्स एक तरीके के नहीं थे, पेजेंट्स भांति भांति तरीके के थे। वेस्टर्न यूरोप में कुछ अलग तरीके के पेजेंट है, ईस्टर्न सेंट्रल में कुछ अलग तरीके के पेजेंट है, कहीं पे फ्यूडलिज्म चल रहा है, कहीं पे फ्यूडलिज्म नहीं चल रहा है, लेकिन कहने की बात है कि ये गरीब जरूर थे और ये मेजोरिटी में थे। अभी इसी दाल में तड़का लगने वाला था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ये जो सोसाइटी में दो तरीके के लोग थे, इसमें नई एक तरीके की सोसाइटी आने वाली थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। हम सबको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ? ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, राइट? तो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में फैला था, और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन आने लग गई थी। आज की मिडिल क्लास से काफी डिफरेंट थी, ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन बिजनेसमैन थी। तो ये सारे बिजनेसमैन जिनके पास पढ़ाई लिखाई भी थी, थोड़ा सा पैसा भी था, और पैसा और पावर थी तो थोड़े से दिमाग के द्वार खुल गए थे, इनको समझ आ रहा था कि एरिस्टोक्रेसी कितनी गंदी है, फ्यूडलिज्म कितना गंदा है। ये कह रहे थे कि नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी है कि अमीर गरीब का भेदभाव हटाना पड़ेगा, और यही मिडिल क्लास आगे फोर्स बनेगी आपका नेशनलिज्म लाने में यूरोप में। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन ही फोर्स बनेगी आगे। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि मिडिल क्लास कौन था, फिर वर्किंग क्लास कौन था, फिर लिबरल क्लास कौन था, फिर रेवोल्यूशनरी कौन था। सौ बात की एक बात, सब लोग सेम थे। ठीक है, तो यहां लिबरलिज्म जो लिख रही हूं, ये भी मिडिल क्लास पॉपुलेशन ही कैरी फॉरवर्ड कर रही थी, और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी वही थी। लिबरलिज्म क्या होता है? बहुत बच्चे सोचते हैं कि लिबरलिज्म ना सिनोनिमस होता है फ्रीडम से। यू आर नॉट कंप्लीटली रॉन्ग एक्चुअली।
लिबरलिज्म और फ्रीडम में कई समानताएं हैं, जैसे एजुकेशन और स्टडिंग में है, लेकिन एजुकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है और स्टडी एक छोटा टर्म है, राइट? इसी तरीके से फ्रीडम एक छोटा टर्म है और लिबरलिज्म बहुत बड़ा टर्म है जो आजादी के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक आजादी, सोशल आजादी, पॉलिटिकल आजादी, इवन आजादी इन अ थॉट प्रोसेस. तो लिबरलिज्म इज अ वेरी अम्ब्रेला टर्म. और ये आता कहां से? ये आता है एक लैटिन वर्ड से, उसका मतलब है लिबर, और लिबर का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? फ्री. तो देखा, थोड़ा बहुत कनेक्टेड तो है ये फ्रीडम से. अब मैं क्यों लिबरलिज्म पढ़ा रही हूं? मैं इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि ये जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन आ रही थी ना, जिसके पास थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके थोड़ा ज्ञान आ रहा था, उसको धीरे धीरे लिबरलिज्म की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा था, पॉलिटिकल लिबरलिज्म. अब भाई ये लोग सब तरीके की फ्रीडम मांग रहे थे. पॉलिटिकल फ्रीडम में पता है क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि जब हम पे राज करना है तो हम चुनेंगे ना कि सरकार कौन सी हो. गलत तो नहीं था. तो देवर आस्किंग फॉर गवर्नमेंट बाय कंसेंट. दूसरा पॉइंट, देवर आस्किंग फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. एंड ऑफ ऑटोक्रेसी का मतलब बच्चा कि ऑटोक्रेसी होती है एब्सोल्यूट रूल. एब्सोल्यूट रूल तो किसी का भी नहीं अच्छा ना. हमारी कंट्री में भी प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट रूल करने लग जाए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी. इसी तरीके से ये लोग मोनार्की का मनमानी होना गलत मानने लग गए थे. एंड ऑफ क्लेरिकल privileges, मतलब जो क्लर्जी क्लास होती थी ना, जो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट क्लास होती थी, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानती थी, वो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था. कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. अब जब गवर्नमेंट हमारे कंसेंट से बनेगी तो क्लास में भी तो आप मॉनिटर बना लेते हो ना आपको रिप्रेजेंट करने के लिए. इसीलिए ये लोग भी बोल रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, जहां पे हमारे लीडर्स हमारे लिए डिसीजन ले और हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल बुक हो, जो हम देख सके अगर कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो डेमोक्रेसी में. और ये इतने सब के बाद भी, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातों के बाद भी, अभी ये विमेन को इक्वालिटी देने के लिए नहीं आए थे. तो ये वोटिंग राइट्स की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आदमियों के लिए. और आदमी भी कौन से? आदमी भी वो जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे कर सकते हैं. तो देवर एंटी पुअर मैन एंड देवर एंटी विमेन. तो ऑब्वियसली जिस सेक्शन को अलग रखोगे वो सेक्शन आवाज तो उठाएगा. इसीलिए पूरे यूरोप में विमेन और मेन विदाउट प्रॉपर्टी प्रोटेस्ट कर रहे थे. चलो इसको भी साइड रखो. इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं. इकोनॉमिक लिबरलिज्म का सबसे अच्छा केस स्टडी है आपकी बुक में जोल्वेरिन. वैसे तो पूरे यूरोप के लोग इकोनॉमिक लिबरलिज्म मांग रहे थे. वो कह रहे थे मार्केट को फ्री कर दो, टैक्स को कम कर दो, कस्टम ड्यूटीज को हटा दो, हमें थोड़ा प्रॉफिट कमाने दो, राइट? लेकिन यहां तो कुछ बात अलग ही पहुंच गई. यहां पे एक कस्टम यूनियन बना दिया. यूरोप में प्रशिया के इनिशिएटिव के बाद यूरोप के कई सारे कंट्रीज ने मिलकर एक कस्टम, कस्टम क्या होता है बेटा? टैक्स. टैक्स को कम करवाने के लिए एक यूनियन बनाया, जिसका नाम किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, जोल्वेरिन, राइट? जोल्वेरिन ने तीन अच्छी चीजें की. जोल्वेरिन ने सबसे पहले यूरोप में, पता है क्या? अच्छा, आप सोचो आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हो और हर चेक पोस्ट पे करेंसी चेंज होती जा रही है. व्हाट अ सरदर्दी दैट वुड बी, राइट? दैट वुड बी अ हेडेक. हर बार आपको करेंसी एक्सचेंज करा के टोल टैक्स देना पड़ेगा. यहां पे भी कुछ ऐसा ही सीन था. हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ना करेंसी चेंज हो जाती थी. तो जोल्वेरिन ने सबसे पहले नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 करा दिया. अब सिर्फ 2 तरीके की करेंसी होती थी. जोल्वेरिन ने रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया. जहां पे भी बच्चा रेलवे आती है ना, वहां पे डेवलपमेंट आती ही आती है, क्योंकि रेलवे गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है और रॉ मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करती है, राइट? तो रेलवे भी आ गई. और कुछ आया था क्या? टैरिफ बैरियर. टैरिफ बैरियर क्या होता है? टैक्स बैरियर. तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बैरियर बोलते हो. कस्टम यूनियन ने वो भी हटा दिया. तो एक तरीके से देखा जाए तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन अपने लिए बहुत भला कर रहा था, लेकिन किसकी आंखों का कांटा बन गया था? कंजर्वेटिव लोगों का. वो लोग जिन्हें सोसाइटी में चेंज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जैसे कि मोनार्क. अन्यू कंजर्वेटिज्म. न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक तरफ जहां लिबरल लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो इस आवाज को चुप कराने के लिए काम कर रहे थे. उनका नाम है कंजर्वेटिव. उन्हें चेंज बिल्कुल पसंद नहीं था. वो आज भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा विश्वास रखते थे, जैसे शादी, फैमिली, मोनार्की, चर्च, इस सब चीजों में. उन्हें लगता था अगर ये चीजें रहेंगी तो सोसाइटी में स्ट्रक्चर रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा. इंडिविजुअल फ्रीडम से उनका कोई लेना देना नहीं था. हाँ, ये बात अलग है कि नेपोलियन की केस स्टडी देखने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत, उनका दिमाग थोड़ा खुला था, थोड़े बहुत चेंजेस के लिए वो लोग मान गए थे. लेकिन अभी भी इंडिविजुअल फ्रीडम आ जाए, इतना उनका दिमाग नहीं खुला था. और नेपोलियन को उन्होंने हराने की ठान भी ली थी. नेपोलियन ने अपने इतने दुश्मन पाल लिए थे बच्चा,
कि फ्रांस तो छोड़ो, यूरोप के जितने देश थे वो सोच रहे थे, वहां के राजा लोग सोच रहे थे कि अगर नेपोलियन के मंसूबे पूरे हो गए तो पूरे यूरोप में मोनार्की खत्म हो जाएगी। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाप किया। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडीज फादर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट बाप। एवरीबडी रिमेंबर्स बर्प, बर्प की जगह बाप रिमेंबर कर लो, विच इज ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया। अच्छा बाय द वे, प्रशिया उस जमाने में हुआ करता था, आज प्रशिया नाम का कोई कंट्री नहीं है। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, मतलब बाप रे बाप ने मिलके 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया। एक नेपोलियन के पे देख रहे हो कितने लोग चढ़ गए थे। और फिर उन्होंने पार्टी मनाई, जीत का सेलिब्रेशन किया। जीत का सेलिब्रेशन कहां किया? वेना में। वेना भी यूरोप में है बच्चा। तो ट्रीटी ऑफ वेना बनाई, उन्होंने बोला कि अब हम सब मिलके यूरोप में फिर से कंजर्वेटिज्म को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी पार्टी होगी तो पार्टी को कोई होस्ट भी करेगा, तो ये जो वेना की पार्टी हो रही थी, वेना की पार्टी को होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निच। यहां आता है आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, दैट हु होस्टेड द पार्टी ऑफ, नॉट पार्टी, ट्रीटी ऑफ वेना इन 1815। देयर गोज योर आंसर। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रीटी ऑफ वेना क्यों रखी गई थी, तो उसका आंसर ये है, टू ब्रिंग बैक कंजर्वेटिज्म, मोनार्की को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए। तो पार्टी तो मन गई है, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट कौन खड़े? लिबरल लोग खड़े। तो अभी लिबरल लोगों की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। लिबरल लोगों की छुट्टी कैसे करें? सप्रेस करना पड़ेगा ना उनको। वो सप्रेशन आने लग गया था। तो ट्रीटी ऑफ वेना ने यूरोप में कई सारे चेंजेस किए। पहले तो फ्रांस से लोगों को इतना खौफ हो गया था बच्चा कि ये लोग बहुत उछलते हैं, तो फ्रांस में फिर से बोर्बन डायनेस्टी ले आई। अब आप बोलोगे मैम लुई द 16th को तो क्लास 9th में मार डाला था, उसके तो बच्चे भी नहीं थे। बच्चे नहीं थे लेकिन कजिन्स थे। तो बर्बन डायनेस्टी में से लुई फिलिप नाम के एक व्यक्ति को राजा बनाया गया और दोबारा से मोनार्की ले आई गई। फ्रांस से उसकी जितनी टेरिटरीज थी, मतलब नेपोलियन ने अपने राज में जितनी जगह कब्जा किया था ना, वो सब छीन ली गई और वो सब डिवाइड कर दी गई। बेसिकली फ्रांस को क्या किया जा रहा था? डी पावर किया जा रहा था। डर लग रहा था ना फ्रांस से। कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स छोड़ के बच्चा बाकी सारी चीजें जो जो नेपोलियन ने की थी वो सब चेंज कर दी, और फ्रांस के आसपास उन्होंने बाउंड्री बना दी ताकि फ्रांस कभी भी अपने पैर फैलाने की कोशिश ना कर पाए। इतना खौफ। इसके अलावा एक और चीज की थी, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन। थर्ड पॉइंट था सेंसरशिप। सेंसरशिप, जैसा कि मैं बता चुकी हूं एक दो बार, सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल भी नहीं थी। ये कंजर्वेटिव लोग जो मन में आए वो करते थे, और आप प्रेस में लिख भी नहीं सकते, लिखोगे तो खूब पिटाई लगेगी। ठीक है, तो बहुत दबाने का ये सिस्टम चल गया था लिबरल लोगों को, लेकिन लिबरल लोग भी चुप नहीं थे बच्चा। उन्होंने सोचा कि अच्छा तुम हमें दिन दहाड़े नहीं काम करने दोगे तो हम रात के अंधेरे में काम करेंगे, और ये रात के अंधेरे में काम करने वाले लोगों को क्रांतिकारी बोला जाएगा। तो अब आप बोलोगे मैम लिबरल से क्या वो क्रांतिकारी हो गए? जी बिल्कुल। धीरे 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 उनका गुस्सा इतना बढ़ता गया कि वो रात में मिलते थे और रात में डिस्कशन करते थे, और वो बनाते थे सीक्रेट सोसाइटी, क्योंकि सीक्रेसी में मिलते थे ना। और इनके मेंबर्स जो थे वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन वाले थे, और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, इनका मकसद था कि मोनार्की को उखाड़ फेंकेंगे। तो एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ अगेन। इनका काम था कि देश में फ्रीडम आनी चाहिए, लिबर्टी आनी चाहिए। इनका काम था कि राजा की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। और इसी में एक महानुभाव हुआ करते थे जिनका नाम है गुज़िप मज़ीनी। अगेन ये केस स्टडी है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, हु वाज गुज़िप मज़ीनी। तो गुज़िप मज़ीनी इटली के रेवोल्यूशनरी थे, जिनोवा में पैदा हुए थे, 24 साल के थे जब लिगुरिया में रेवोल्यूशन करने के लिए जेल भी चले गए थे। इतने महान थे कि उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी, दो दो सीक्रेट सोसाइटी का फाउंडेशन रखा था। एक का नाम था यंग इटली इन मर्सेलिस, एक का नाम था यंग यूरोप इन बर्न। और मज़ीनी को देखते देखते लोग हर जगह, स्पेन में, बुल्गारिया में, हर जगह पे अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। तो ही बिकेम लाइक अ रोल मॉडल। वो बात अलग है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट स्टिल अ रोल मॉडल। अब जब इतने सारे रेवोल्यूशनरीज हर जगह चल रहे हैं बच्चा, तो क्या दौर आएगा? दौर आएगा एज ऑफ रेवोल्यूशन का। एज ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब है रेवोल्यूशंस का दौर। बैक टू बैक तीन रेवोल्यूशन हुए यूरोप ने, जिसने मोनार्की को, कंजर्वेटिज्म को हिला के रख दिया। रेवोल्यूशन नंबर वन था आपका
अगेन फ्रांस. अब आप बोलोगे मैम फिर से फ्रांस. जी, फ्रांस रेवोल्यूशन करने में सबसे आगे रहता था, इसलिए तो ड्यूक मेटरनिच कहता था दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. 2020 में इसका वर्जन है व्हेन चाइना स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोरोना. बट तब जब फ्रांस रेवोल्यूशन करता था तो पूरा यूरोप रेवोल्यूशन करने पे आ जाता था. तो फ्रांस ने इस बार फिर से आवाज उठाई. जुलाई 1830 में उसने लुई फिलिप की गवर्नमेंट को बोला कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा. तो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए. ठीक है, फ्रांस का देखा देखी ब्रुसेल बोले तो बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम को बोलने लगा मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फ्री कर दो. ठीक है, ये भी हो गया. इन दोनों का देखा देखी हमारा ग्रीस जो 15वीं शताब्दी से ऑटोमन एम्पायर मतलब मुस्लिम कल्चर के डोमिनेशन के अंडर था और उसका खुद का इतना अच्छा कल्चर था, वो भी इंडिपेंडेंस मांगने लग गया. और ग्रीस के तो इतने लोग दीवाने थे, ग्रीस को तो बेसिकली यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रैडल बोला जाता है. जैसे क्रैडल होता है ना वो पालना जिसमें बच्चा पल के बड़ा होता है, वैसे ही माना जाता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस की सिविलाइजेशन से पैदा हुई है. तो ग्रीस के सपोर्टर्स बहुत सारे थे. फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन माना. ऑटोमन एम्पायर ने बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. एंड दैट हैपेंड. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. एक्चुअली इस पेज पे जो कुछ भी लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जुलाई रेवोल्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और जो मैंने मेटरनिच वाली बात बताई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेटरनिच ने दो चीजें बोली थी. एक बोला था मज़िनी को भी गाली देता था भाई. मज़िनी इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर ऑब्वियसली बिकॉज कंजर्वेटिज्म मिटाना चाहता था. और एक वो फ्रांस को भी गाली देता था दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. Pardon my handwriting here. Okay, next is romantic imagination and national feeling. अभी जिस जिसके दिमाग में शाहरुख खान आ रहा है please put him out because this romantic imagination is nowhere near to what you are used to of watching. ये romantic imagination है nationalism, देशभक्ति की भावना से related. तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में आर्टिस्ट लोग जो थे मतलब poets जितने थे, artists मतलब painters जितने थे, music composers जितने थे, story writers जितने थे, novelists जितने थे, इन सारे artists लोगों ने सोचा कि क्या देशभक्ति की भावना सिर्फ guns और grenades से ही पैदा होती है, क्या जब तक हम guns को use नहीं कर रहे तब तक हम देशभक्त नहीं है. तो उसका आंसर था बिल्कुल भी नहीं. इन लोगों ने ठाना कि ये देशभक्ति की भावना फैलाएंगे आर्ट के थ्रू. तो उन्होंने कॉमन हेरिटेज का सहारा लेके, कॉमन कल्चर का सहारा लेके, कहानियों का सहारा लेके, फीलिंग्स का सहारा लेके ये ठाना कि सबको बताएंगे कि हम सब एक है. इन्होंने साइंस की बातें नहीं की, लॉजिक की बातें नहीं की, इन्होंने इंट्यूशन की बातें की और भावनाओं की बातें की. और इसमें आपकी बुक में आते हैं दो एग्जाम्पल. तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था बच्चा. कल्चरल मूवमेंट देखो, पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा, रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन आएगी, फिर दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों में से कोई एक आ जाएगा. या तो कल्चर का एग्जाम्पल देने के लिए आएगा या लैंग्वेज का एग्जाम्पल देने के लिए आएगा. अगर कल्चर का एग्जाम्पल देने के लिए बोलेंगे तो आपको गॉटफ्राइड का नाम लिखना है. अगर लैंग्वेज का एग्जाम्पल लिखने को बोलेंगे तो पोलैंड का एग्जाम्पल लिखना है. अभी ये गॉटफ्राइड कौन थे, नाम बहुत बड़ा है इनका, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, पूरा नाम आपसे याद नहीं होगा, गॉटफ्राइड कर लो याद. गॉटफ्राइड भाई साहब जर्मन आर्टिस्ट थे. इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए कल्चर से रिलेटेड. पहला था दास वोक, दूसरा था वोकजीस्ट. इन्होंने बोला कि अगर आपको कल्चर देखना है तो कहां राजा महाराजाओं के घर में जाओगे, कॉमन लोगों के घर में आओ, देश का कल्चर पता चलेगा. तो कल्चर कुड बी सीन अमंग कॉमन पीपल विच इज ट्रांसलेटेड एज दास वोक इन जर्मन लैंग्वेज. दूसरा इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट वोकजीस्ट का, मतलब ये जो कल्चर है ना यही तो आत्मा है आपके नेशनलिज्म की, यही तो आत्मा है नेशन की और कुछ नहीं है, बाकी सब मजाक है, लड़ाई झगड़ा रेवोल्यूशन सब साइड. इन्होंने बोला कि कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन. तो गॉटफ्राइड बिकेम अ रोमांटिक रेवोल्यूशनरी. दूसरा एग्जाम्पल किसका था, दूसरा एग्जाम्पल था आपका पोलैंड का. पोलैंड ने यूज किया लैंग्वेज एज द वेपन.
लैंग्वेज बिकेम द वेपन ऑफ द नेशनल रेसिस्टेंस। पता है पोलैंड को ना पिज्जा की तरह डिवाइड कर दिया गया था। डिवाइड किसने किया था? आपका रशिया ने और प्रशिया ने, इन लोगों ने मिलकर डिवाइड कर दिया था। सबसे ज्यादा हिस्सा आया था रशिया की तरफ, और रशिया ना अपना कल्चर डोमिनेट कर रहा था पोलैंड के ऊपर, थोप रहा था। पोलैंड के लोगों ने बोला ठीक है तुमने पोलैंड को मिटा दिया, लेकिन तुम पॉलिश कल्चर को थोड़ी मिटा पाओगे, पॉलिश लैंग्वेज को थोड़ी मिटा पाओगे। तो वहां के जितने प्रीस्ट लोग होते थे ना, जितने भी चर्च के रिलीजियस लोग होते थे, वो लोग अपनी कोई भी मीटिंग होती थी ना तो वो पॉलिश लैंग्वेज में ही करते थे। तो वो बोलते थे तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जितना मर्जी रशिया हमें डोमिनेट करना है कर लो, लेकिन हम अपनी भाषा नहीं छोड़ेंगे। अभी वो बात अलग है कि उनकी खूब पिटाई लगी और रशिया जीत गया, बट आवर पॉइंट इज दैट लैंग्वेज डेफिनेटली बिकेम अ वेपन ऑफ द नेशनल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। आप बोलोगे मैम यूरोप की प्रॉब्लम्स तो खत्म ही नहीं हो रही हैं, कभी रेवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव रेवोल्यूशन, अब हंगर भी आ गई, हार्डशिप भी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गई। बिल्कुल सही बात है। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम सुनते हैं ना तो हमें लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो सब अच्छा अच्छा हुआ होगा, हंकी डोरी हुआ होगा, बहुत सारी इंप्लॉयमेंट आई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो दौर था जहां पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी यूरोप में। इनफैक्ट इतनी ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप थी कि लोग सड़कों पे आ गए थे, लोग हंगर से मर रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि जॉब कम थी, लोग ज्यादा थे, राइट? जो इंडिया में आपको दिखता है ना कि गांवों से दूर दराज से लोग आते हैं शहरों में जॉब्स की सर्च में, वो यूरोप में देखने को मिलता था। तो रूरल यूरोप से माइग्रेशन होता था अर्बन यूरोप में, और अर्बन यूरोप में भी कहां से रहेंगे ना इतने सारे लोग, तो स्लम्स क्रिएट हो रहे थे, सैनिटाइजेशन भी नहीं था प्रॉपर। वहां ये जो अमीर लोग थे इन्होंने अभी भी फ्यूडलिज्म चला रखा था, खाने की भी शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि पेजेंट्स तो सारे गांव छोड़ के शहर आ जाते थे काम की तलाश में, तो खाने की कमी हो गई थी। खाने की कमी होगी तो खाने के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिस भी चीज की कमी होती है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई डिमांड क्लास 11th में पढ़ लोगे, ठीक है? तो राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड वाज देयर। बेसिकली एक तरीके से बोला जाए तो पूरा यूरोप त्रस्त था, और अब फिर से कौन रेवोल्यूशन करने वाला था? अगेन ऑब्वियसली फ्रांस। तो फ्रांस में हुआ फिर से रेवोल्यूशन, पेरिस के लोग आ गए सड़कों पे, और पेरिस के लोग खून के प्यासे, क्लास 9th में जैसे लुई फिलिप को मारा था वैसे ही खून के प्यासे पेरिस के लोग लुई द 16th को मारा था, लुई फिलिप के घर जाने लगे। लुई फिलिप को बहुत डर लग गया, उसने अपने कजन की मौत देखी थी, तो इससे पहले कि लोग उस तक पहुंच पाते और उससे जवाब मांगते वो भाग गया। लुई फिलिप डेफिनेटली फ्लेड ऑफ फ्रॉम फ्रांस, पता नहीं कहां गया लेकिन भाग गया। फिर से रेस्क्यू पे कौन आया? अब सरकार तो है नहीं, राजा साहब भाग गए, रेस्क्यू पे आया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने बोला ठीक है अभी राजा तो है नहीं, तो राजा नहीं है तो काय की मोनार्की, तो मोनार्की नहीं है तो फ्रांस बिकम्स और रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? एक ऐसी सरकार जो आप खुद चूज करते हो। तो किसने घोषित किया फ्रांस को रिपब्लिक? नेशनल असेंबली ने। और सिर्फ बातें की कि काम भी किया? नहीं, काम भी किया, दो काम किए। एक तो वोटिंग राइट दे दिया, वोटिंग राइट सारे आदमियों को दे दिया, अमीर गरीब सबको दे दिया, 21 साल से ऊपर के जितने आदमी थे सबको वोटिंग राइट मिला, औरतें नहीं नहीं उन्हें अभी भी पैसिव सिटीजन बोला जाता था। दूसरा राइट टू वर्क कर दिया, जैसे आजकल आप देखते हो ना जॉब फेयर लगता है जहां आप रिज्यूमे लेके जाते हो, बहुत सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और आपके स्किल सेट से मैच करती जो भी जॉब होती है आप ले लेते हो, राइट? कुछ वैसा ही जॉब फेयर लगाया आपकी नेशनल असेंबली ने जिसका नाम है नेशनल वर्कशॉप। वहां पे वो स्किल भी इंपार्ट करते थे और जॉब भी देते थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व कर दी, पॉलिटिकल फ्रीडम सॉल्व कर दिया, लेकिन औरतें अभी भी खुश नहीं थी देश की। तो चलो कोई नहीं, आगे चलते एक और रेवोल्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रेवोल्यूशन, अच्छा इसके साथ एक और रेवोल्यूशन आपकी बुक में, रेवोल्यूशन ऑफ सिलेसिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा बता देती हूँ। सिलेसिया अलग यूरोप में अलग जगह पड़ता है। सिलेसिया में रेवोल्यूशन हुआ था कॉटन वर्कर्स और कॉटन कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। कॉटन वर्कर्स को बहुत सारा काम देके कॉटन कॉन्ट्रैक्टर मुकर गया था कि मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें पैसे, तो लोगों ने उसकी पिटाई लगाने के लिए उसका घर वर तोड़ दिया था। वो चला गया था आर्मी के पास, आर्मी ने फिर लड़ाई की थी, 11 लोग मर गए थे, रेवोल्यूशन अनसक्सेसफुल था। पर बात वो नहीं है कि सक्सेसफुल था कि नहीं था, बात यह है कि रेवोल्यूशन हो रहा था, पूरे यूरोप में हो रहा था। ओके, अब आती है बात रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स की। अभी तक जो मैंने दो रेवोल्यूशन बताए ना, सिलेसिया वाला और आपका पेरिस रिवोल्ट वाला, ये गरीब लोग कर रहे थे, बहुत ही गरीब लोग जिनकी डिमांड काफी बेसिक थी कि हमें खाना दे दो, हमें जॉब दे दो, हमें रहने के लिए घर दे दो। लेकिन सारा यूरोप ऐसा थोड़ी था, यूरोप तो अमीर भी था ना बच्चा। तो वो अमीर लोगों का, बेसिकली मिडिल क्लास लोगों का जो रेवोल्यूशन है उसका नाम है रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ऑफ 1848। ये डेट तो तुम याद कर लो, ये डेट पे दो चीजें हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है।
एक तो हुआ था पेरिस रिवोल्ट और एक हुआ था आपका रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ओहो, पेरिस रिवोल्ट किया था आपका गरीब लोगों ने, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल किया था मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने। बहती गंगा में बेसिकली हाथ धो रहे थे ये लोग, इन्हें लग रहा था जब पूरा यूरोप रेवोल्यूशन कर रहा है तो हम भी मांग लेते हैं जो मांगना है, राइट? तो जहां एक तरफ गरीब लोग अपना रेवोल्यूशन कर रहे थे हंगर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वही अमीर लोग का रेवोल्यूशन था, मिडिल क्लास पॉपुलेशन का रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इन लोगों को जॉब्स तो थी, इनके पास ऑलरेडी पैसा था, इवन ये तो पढ़े लिखे भी थे, तो ये ऐसे छोटी मोटी डिमांड नहीं रख रहे थे, इनकी डिमांड थोड़ी बड़ी थी। ये कह रहे थे कि यूनिवर्सल मेल सफरेज होना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं, क्योंकि औरतें तो इंसान ही नहीं होती ना बच्चा, तो यहां पे भी मेल सफरेज, मेल वोटिंग राइट्स की बात हो रही थी। अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, ये बोल रहे थे कि राजा साहब को भगाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को लाओ और पार्लियामेंट को लाओ। तो आप डिमांड में फर्क देख रहे हो, लिबरल लोगों की डिमांड कुछ अलग है और गरीब लोगों की डिमांड कुछ अलग है। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था, जर्मनी में हो रहा था, इटली में हो रहा था, पोलैंड में हो रहा था, हर जगह हो रहा था। और लोग कह रहे थे हमें नेशन स्टेट चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। बड़ी बड़ी बातें मांगी जा रही थी उस जमाने के हिसाब से। और इसी में आपकी एक केस स्टडी है जर्मनी की, जर्मनी की केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। अभी फ्रांस तो रोल मॉडल बन गया था, फ्रांस में नेशनल असेंबली है तो सबको नेशनल असेंबली चाहिए। जर्मनी भी कह रहा था मुझे नेशनल असेंबली चाहिए, और जर्मनी ने नेशनल असेंबली बनाने के लिए एक झटपट पार्लियामेंट बना लिया। पार्लियामेंट तो था नहीं, तो टेम्परेरी पार्लियामेंट बना लिया, और वो टेम्परेरी पार्लियामेंट किसने बनाया? लिबरल लोगों ने, बोले तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने। तो जर्मनी की मिडिल क्लास पॉपुलेशन सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट नाम की एक शहर में आई, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली उसने बनाई, और उसने ठान लिया कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के रहेंगे। और ये सारी मीटिंग हो कहां रही थी? सेंट पॉल चर्च में। ये इमेज देखो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इस इमेज में भी एक चीज गौर करो, ये जो नीचे सीट्स पे बैठे हैं ये सब आदमी हैं, जो ऊपर गैलरी में विजिटर्स की तरह खड़े होकर सिर्फ देख रही हैं और बोलने का हक नहीं है, वो औरतें हैं। तो वोटिंग भी हो रही थी, 848 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी बने थे, तो वो सिर्फ मेल वोटिंग के थ्रू बने थे, विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट, कुड नॉट पार्टिसिपेट। फिर लोगों को लगा कि ठीक है अब तो नेशनल असेंबली बन गई, अब तो पार्लियामेंट बन गया, अब तो राजा साहब से बोलेंगे तो राजा साहब कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। अभी राजा कौन सा? जर्मनी तो था नहीं, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, तो कौन से राजा के पास गए? प्रशिया के राजा के पास। प्रशिया नाम का जो देश हुआ करता था उस जमाने में, उसका राजा फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स में आता था। फ्रेडरिक विलियम के पास, वो भी जर्मन बोलता था, उसकी प्रजा भी जर्मन बोलती थी, जब उसके पास गए और बोला कि राजा साहब हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बनवा दीजिए, तो राजा साहब हंसने लग गए। उन्होंने बोला पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी पावर कम करवा दूंगा? कभी भी नहीं कराऊंगा। तो फ्रेडरिक विलियम ने मोनार्की को फिर से रीस्टैब्लिश किया, उसने इन लोगों को हरा दिया आर्मी की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से, जंकर की मदद से। जंकर क्या होता है बच्चा? लार्ज लैंड ओनर। और ये रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स फेल हो गया। लेकिन इससे एक चीज अच्छी हुई थी, कि विमेन के पार्टिसिपेशन फिर भी लोगों की नजरों में आने लग गया था। औरतों को इतना समझ आ गया था कि आदमियों से मांग के तो पावर मिलने नहीं वाली है, खुद से लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए थे, रैलीज निकालना शुरू कर दिया था, अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी थी कि हमें वोटिंग राइट चाहिए। वो बात अलग है कि इसके भी 200 साल बाद हमें वोटिंग राइट मिला, लेकिन मिल गया। ठीक है, तो विमेन पार्टिसिपेशन डिड इंक्रीज इन द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल। और एक और चीज समझ आ गई थी कंजर्वेटिव लोगों को, कि अगर लिबरल लोगों को बहुत ज्यादा दबाएंगे तो वो अपना सर उतना ही उठाएंगे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर वगैरह जो है थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस देना शुरू हो गया था अपनी कॉलोनीज को, ओनली बिकॉज दे वर वेरी वेरी स्केर्ड। पर अब आपको नेशनलिज्म की बॉल समझ आ रही है? कभी नेशनलिज्म की बॉल नेपोलियन उठा लेता है, कभी नेशनलिज्म की बॉल लिबरल लोग उठा लेते हैं, कभी रेवोल्यूशनरीज उठा लेते हैं, कभी रोमांटिक लोग उठा लेते हैं, आर्टिस्ट लोग उठा लेते हैं। तो ये तो बॉल खेलते ही जा रहे थे, लोग खेलते ही जा रहे थे। अब इससे पता है कौन खेलने वाला था? कंजर्वेटिव पीपल। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली में आप पढ़ोगे कि कंजर्वेटिव लोगों ने अपने ऊपर ये बीड़ा उठाया कि अब हम देशभक्ति को एक्सप्लॉइट करके, बच्चा देशभक्ति कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, रिलीजियस ग्रुप भी कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक लोग भी कर सकते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में आप देखते रहते हो, कोई भी देशभक्त और कोई भी
व्हाट यू कॉल इट, एंटी नेशनल हो जाता है आजकल, राइट? तो कंजर्वेटिव लोगों ने ये ठाना कि अब हम लोग यूनाइट करेंगे जर्मनी और इटली को. पहले जर्मनी की बात करते हैं. जर्मनी में दो इंपॉर्टेंट लोग थे. अच्छा, बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि पिछले पेज पे तो फ्रेडरिक विलियम था राजा ऑफ रशिया का, अभी राजा विलियम कैसे हो गया? बच्चा फ्रेडरिक, ये एनसीईआरटी में नहीं है. फ्रेडरिक विलियम बहुत बीमार रहते थे. फ्रेडरिक विलियम ने बिस्तर पकड़ लिया था, तो उनके जो छोटे भाई थे विलियम वन, उनको राजा बना दिया गया था उनकी अनुपस्थिति में. ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट लोग थे. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी प्रशिया के हाथ में था. क्यों? क्योंकि प्रशिया बहुत पावरफुल कंट्री था. कौन से दो लोग हैं? एक है बिस्मार्क. वन मार्क क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम. Who was the architect of unification of Germany? Your answer is Bismarck. ये chief minister थे वहां के. और दूसरा है William I. तो Bismarck बने architect और William बने king. अब आप बोलोगे मैम William ने खुद ने काम क्यों नहीं किया? बच्चा राजा काम नहीं करते, राजा chief minister को बोलते हैं काम करने के लिए. तो राजा ने आदेश दिया, बिस्मार्क ने लड़ी 7 साल तक लड़ाई. इसे हिस्ट्री में बोला जाता है 7 ईयर वॉर फैड के अगेंस्ट. फैड का मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क. और भी कंट्रीज थे, एनसीईआरटी में इतने ही दिए. तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के खिलाफ 7 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद प्रशिया की जीत हुई. और जब प्रशिया की जीत हुई तो बिस्मार्क ने बोला राजा साहब बैठिए गद्दी पे. और ये सुनहरा अवसर मनाया कहां जा रहा था? ये मनाया जा रहा था पैलेस, कहां गया? हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सेलेस. इस पे भी क्वेश्चन आता है. ये फोटो देख लो, यहाँ हर जगह मिरर्स लगे हुए हैं. इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस जो अभी भी है, इज स्टिल मेंटेन्ड. और यहाँ पे राज्य अभिषेक हुआ यूनिफाइड जर्मनी का, और राजा कौन बना? विलियम वन. ठीक है, अब आपको लगेगा इटली का केस भी थोड़ा सिंपल था. नहीं, इटली का केस इतना सिंपल नहीं था यार. इटली बेचारा थोड़ा पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था. पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड का मतलब इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग छटके हुए थे पूरे एरिया में. 7 पॉलिटिकल फ्रैगमेंट्स बने हुए थे और हर जगह अलग अलग राजा चल रहे थे, अलग अलग लोगों का राज था. तो इटली हैड 7 स्टेट्स और कहीं पे पोप का राज है, कहीं पे बोर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का राज है, कहीं पे सार्डिनिया पाइंडमोंट है तो वहां पे विक्टर इमैनुअल का राज है. अलग अलग जगह अलग अलग लोगों का राज है. सिर्फ सार्डिनिया पाइंडमोंट ही वो जगह थी जहां पे जो राजा है वो एक्चुअल में इटालियन लैंग्वेज बोलता था. तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई थी? सार्डिनिया पाइंडमोंट पे आ गई थी. मजीनी भाई साहब तो ट्राई करके अभी रह गए थे, 2 बार ट्राई किया उन्होंने, दोनों बार फेल हो गए. तो राजा साहब ने बोला ठीक है मैं करूंगा इटली को यूनिफाई. अगेन, राजा खुद काम नहीं करता, राजा काम आउटसोर्स करता है. किसको आउटसोर्स करता है? चीफ मिनिस्टर को. तो विक्टर इमैनुअल द सेकंड ने काम आउटसोर्स किया चीफ मिनिस्टर केवोर को. और केवोर पे जब जिम्मेदारी आई, केवोर तो बिल्कुल भी रैशनलिस्ट नहीं था, वो तो डिप्लोमेटिक आदमी था, उसको सिर्फ जीतना आता था. उसने डिप्लोमेसी से धीरे धीरे करके इटली को यूनिफाई किया. जब भी उसे दिक्कत आई तो उसने लोगों की हेल्प ली. उसने हेल्प पता है किसकी ली? गैरिबाल्डी, गुज़िप गैरिबाल्डी. एक लोकल लीडर होता है ना, कभी कभी पॉलिटिशियंस भी लोकल गुंडों की सहायता ले लेते हैं, वैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक लोकल लीडर की सहायता ली जिसका नाम था गैरिबाल्डी, जिसकी खुद की एक आर्मी थी. बहुत सारे वॉलंटियर्स थे उसमें, हजारों वॉलंटियर्स थे, पेजेंट्स थे पर वॉलंटियर्स थे, आर्मी थी जिसका नाम था रेड शर्ट. तो रेड शर्ट आर्मी और गैरिबाल्डी की सहायता से फाइनली हमारा इटली भी यूनिफाई हो गया. और इटली यूनिफाई हो गया तो राजा साहब गद्दी पे बैठ गए. राजा साहब का नाम था विक्टर इमैनुअल द सेकेंड. सो दीज वर द 2 केसेस ऑफ यूनिफिकेशन. इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है ब्रिटेन का केस. क्यों है ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज? क्योंकि अभी तक आपने देखा कि एक राजा था, एक चीफ मिनिस्टर था, स्टोरी काफी सिंपल थी. ये स्टोरी सिंपल नहीं थी. यहाँ कोई राजा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, यहाँ पे पार्लियामेंट था. इंडिया का केस याद करो ना, हम पे 200 साल तक राज किया है. पार्लियामेंट आके वहां से, मतलब ऑब्वियसली देयर वाज अ सोवरेन, देयर वाज अ क्वीन, देयर स्टिल इज इन ब्रिटेन, बट राज काम कौन करता था? पावर किस में हाथ में थी? पार्लियामेंट. तो ब्रिटेन जैसा तो कुछ होता नहीं था बेटा, ग्रेट ब्रिटेन जैसा तो कुछ होता नहीं था. एक आर्किपेलागो था, मतलब एक ऐसा आइलैंड था जिसमें अलग 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 पार्ट थे और अलग अलग तरीके के लोग रहते थे. इंग्लिश लोग रहते थे, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले, वेल्श लोग रहते थे, स्कॉटिश लोग रहते थे, आयरिश लोग रहते थे. तो ये 4 मेन एथनीसिटीज थी आपकी ब्रिटेन में. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास थे? इंग्लिश लोगों के पास. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश लोगों की कितनी कॉलोनीज थी, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम. तो सबसे ज्यादा पावर थी इंग्लिश पार्लियामेंट के पास. और इंग्लिश पार्लियामेंट वैसे ही मोनार्की से खुद को अलग कर चुका था. और इंग्लिश पार्लियामेंट ने अब ये ठान ली थी कि अब इन बाकी सारी एथनीसिटीज पे कब्जा जमाऊंगा. तो द एक्ट ऑफ यूनियन, धीरे धीरे
यू नो पागल बनाता था वो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, पागल बनाने की पॉलिसी, बहुत अलग अलग पॉलिसीज यूज करते थे ब्रिटेन के लोग. पहली पॉलिसी का नाम था एक्ट ऑफ यूनियन. पहले वो गए स्कॉटलैंड के लोगों के पास, उन्होंने बोला स्कॉटलैंड हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हें जगह देंगे ये पार्लियामेंट में और हम दोनों मिलकर राज करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे. स्कॉटलैंड खुश हो गया. स्कॉटलैंड ने बोला ओके. स्कॉटलैंड को पागल बनाया, स्कॉटलैंड को कोई पावर नहीं दी और स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया. और ऐसा कब्जा कि स्कॉटलैंड को अपनी लैंग्वेज बोलने भी नहीं दिया जाता था. गेलिक लैंग्वेज जो उनकी खुद की लैंग्वेज है, उनका खुद का जो नेशनल पहनावा था, नेशनल ड्रेस था, वो तक करने नहीं देते थे ब्रिटेन के लोग, बोले तो इंग्लिश लोग, राइट. तो हमारे स्कॉटलैंड को तो इनकॉर्पोरेट कर लिया एक्ट ऑफ यूनियन ने. अब आती आयरलैंड की बात. आयरलैंड में कुछ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, जैसे इंडिया में खेली है हिंदूज और मुस्लिम पे, वैसे आयरलैंड में दो तरीके के क्रिश्चियंस थे मोस्टली. एक थे कैथोलिक, दूसरे थे प्रोटेस्टेंट. दोनों में आपस में बनती नहीं थी. कैथोलिक जो हैं वो आपके मेजॉरिटी में थे, मतलब ज्यादा नंबर में थे. प्रोटेस्टेंट्स आपके कम नंबर में थे. तो इन्होंने बताया क्या किया, इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स को कन्विंस कर लिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें कैथोलिक लोगों पे डोमिनेशन करने में हेल्प करेंगे. प्रोटेस्टेंट लोग मान गए, रिलीजन के आगे तो वैसे भी लोगों को कुछ नहीं दिखता. तो प्रोटेस्टेंट लोगों को हेल्प किया और प्रोटेस्टेंट लोगों की सहायता से कैथोलिक लोगों पे, कैथोलिक लोग तो नहीं चाहते थे यार ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेट होना अच्छे से, लेकिन फिर भी उन्हें ना चाहते हुए भी इनकॉर्पोरेट किया गया और ऐसे बना आपका ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन. तो नाम चाहे ग्रेट है लेकिन नॉट सो ग्रेट ब्रिटेन. एंड बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं. यूनाइटेड किंगडम बन गया 1801 में. और जब एक बार यूनाइटेड किंगडम बन गया तो फिर तो इंग्लिश कल्चर वहां पे डोमिनेट करता है और आज तक करते आ रहा है. इंग्लिश ब्रेकफास्ट से लेके, इंग्लिश कल्चर से लेके, इंग्लिश फ्लैग से लेके, बोले तो यूनियन जैक, इंग्लिश नेशनल एंथम से लेके गॉड सेवा नेशनल किंग लैंग्वेज तक वहां पे इंग्लिश चलती है. बाकी सारी लैंग्वेजेस को भी नीचा दिखाया जाता है. तो दिस वॉज योर स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट Pretty. Now we have come to the last part of the chapter, which is visualizing the nation, बच्चा. Visualizing the nation पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी. जब भी आप सुनते हो color red, तो आपके दिमाग में या तो प्यार आता है या फिर war आती है. When you hear the word white, आपके दिमाग में peace आता है. जब आप green सुनते हो तो आपके दिमाग में prosperity आता है. तो ये आपने क्या किया है, आपकी conditioning ऐसे है कि आपने एक color के साथ एक feeling को आपने attach कर रखा है, राइट. जैसे हमारे गॉड्स हैं, किसी को नहीं पता कि यू नो लक्ष्मी जी कैसी दिखती थी या विष्णु जी कैसे दिखते थे, बट वी हैव गिवन देम अ फॉर्म, हमने उन्हें एक स्वरूप दे दिया है. उसी को बोला जाता है एलेगोरी. तो एलेगोरी का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन. जब आप अपनी एक फीलिंग को, एक इमोशन को एक स्वरूप दे देते हो तो उसे एलेगोरी बोला जाता है. आर्टिस्ट लोग ऐसा बहुत अच्छे से करते हैं. तो 18th to 19th century में अब नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना को एक स्वरूप देने की ठान ली गई थी, भारत माता. हमें कैसे पता है कि भारत माता ही होगी, भारत पिता नहीं होगा, क्योंकि ये एलेगोरी है. तो वी हैव पर्सोनिफाइड आर कंट्री, आर देशभक्ति, आर इंडियननेस इनटू भारत माता. वैसे ही एलेगोरी यूरोप में बनी थी. फ्रांस का हमारे पास केस है, हमारे पास जर्मनी का है. पहले फ्रांस की बात करते हैं. तो फ्रांस में एक बड़ा कॉमन नेम होता है बच्चा, क्रिश्चियन मेरियन. तो मेरियन ही नाम रख दिया उन्होंने फ्रांस के एलेगोरी का. तो जब भी लोग मेरियन का पुतला देखते थे ना, तो उन्हें लगता था कि ये तो हमारी कंट्री का पुतला है, ऐसे सेलिब्रेट होता था. तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगोरी. अभी ये भी देख रहे हो आप पेट्रियार्की, फीमेल एलेगोरी बनती थी क्योंकि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना था ना. तो प्रोटेक्ट आप मेल्स को थोड़ी करोगे, फीमेल्स को करोगे, है ना. सो ऐसा है नहीं वैसे. एनीवे, तो फीमेल एलेगोरीज बनती थी और ये फीमेल एलेगोरी लिबर्टी को सिग्निफाई करती थी, जस्टिस को सिग्निफाई करती थी, रिपब्लिक को सिग्निफाई करती थी. तो जो मेरियन थी वो सजी धजी भी रहती थी, वो रेड कैप पहनती थी बच्चा, क्योंकि रेड कैप इज द सिंबल ऑफ लिबर्टी, जैकोबिन क्लब क्लास 9th. ट्राई कलर पहनती थी, ट्राई कलर नया ट्रायल फ्लैग बना था ना भाई, रॉयल फ्लैग को हटा के. कोकेट पहनती थी. व्हाट इज कोकेट बच्चा, एक ब्रोच जैसा एक ज्वेलरी का पीस होता है. यू कैन पुट इट ऑन योर क्लोथ ऑल्सो, यू कैन पुट इट इन योर हेयर ऑल्सो. तो मेरियन काफी सजी धजी रहती थी. अब मेरियन इतनी फेमस हो गई थी कि हर चौराहे पे मेरियन का पुतला होता था. इवन कॉइन पे, स्टैम्प पे भी मेरियन देखने को मिलती थी, जैसे हमारे यहाँ बापू देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब बात आती है जर्मनी की. जर्मनी की जो जर्मेनिया थी वो तो और सजी धजी रहती थी. जर्मनी की एलेगोरी का नाम था जर्मेनिया. वो ऊपर से नीचे तक अलग अलग चीजों में सजी रहती थी और हर चीज का एक मतलब है. जैसे सर पे देखो तो उसने क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का, दैट सिंबलाइजेस हीरोइज्म. हाथ में तलवार है तो शी इज रेडी टू फाइट, विलिंग टू फाइट. लेकिन तलवार के पास में एक ओक की बेल लटक रही है, मतलब कि अगर आप पीस बनाना चाहते हो तो वो भी आपको पीस बनाने से मना नहीं करेगी, पहला वार खुद नहीं करेगी. और ब्रेस्टप्लेट पहनी हुई है उसने, तो मतलब कि स्ट्रेंथ दिख रही है. फ्लैग है हाथ में भाई जर्मनी का. और क्या है,
पीछे से सनरेज आ रही हैं, तो एरा ऑफ न्यू बिगनिंग आ रहा है. ऑल ऑफ दीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स कि जर्मेनिया की इस चीज का मतलब क्या होता है. ठीक है, और ये जर्मेनिया सबसे पहले दिखी थी बच्चा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो मैंने पार्लियामेंट दिखाया था ना सेंट पॉल चर्च में, जहां पे 848 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गए थे पार्टी बनाने राजा साहब के पास, जहां उनकी टाइटल फिस हो गई थी. वहां पे सबसे पहले जर्मेनिया को लटकाया गया था. और उसके बाद क्योंकि राजा साहब माने नहीं थे बात, तो बाद में जर्मेनिया को फॉलन जर्मेनिया के रूप में भी दर्शाया गया था. तो आर्टिस्ट लोग हैं, कुछ भी करते थे. ठीक है, सो दोज वर द टू एलेगोरीज. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. नाउ सौ बात की एक बात आपको समझ नहीं आता है कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है. नेशनलिज्म होता है देशभक्ति, ये एक भावना है. कॉलोनियलिज्म होता है जब कोई कंट्री किसी छोटी कंट्री के ऊपर, बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक डोमिनेशन करती है. इंपेरियलिज्म होता है जब इकोनॉमिक डोमिनेशन के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेशन भी किया जाता है, जैसे हमारी कंट्री में किया गया था. अभी नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म में क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि अब ये जो नेशनलिज्म की बॉल थी ना, अब ये किसके हाथ में थी, अभी गलत हाथों में थी. अभी तक नेशनलिज्म कंस्ट्रक्टिव चीजें कर रहा था, पॉजिटिव चीजें कर रहा था. अब यही नेशनलिज्म का एक गंदा रूप आपके सामने आने वाला है, जिसका नाम है बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट. तो बच्चा बाल्कन एक यूरोप में एक ऐसी जगह है जहां पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. मतलब वहां पे इतनी ज्यादा डायवर्सिटी है, ज्योग्राफिकली एंड एथनिकली बहुत डायवर्स रीजन माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बाल्कन. वहां पे ग्रीस के भी लोग हैं, मैकेडोनिया के भी हैं, क्रोएशिया के भी हैं, रोमेनिया के भी हैं, बुल्गेरिया के भी हैं, अल्बेनिया के भी हैं. ये नाम आपको याद नहीं करने हैं, दो याद कर लो, एक्सेट्रा लिख के आ जाना. और ये सारे के सारे लोगों को वहां क्या बोला जाता है, स्लाव. जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है ना, वैसे बाल्कन रीजन में अलग अलग स्टेट्स का नाम क्या था, स्लाव. तो बाल्कन हो गया आपका पूरा रीजन, और बाल्कन रीजन के अंदर की स्टेट्स हो गई, ये हो गया बाल्कन, और ये हो गई आपकी स्लाव. स्लाव वन, स्लाव टू, स्लाव थ्री, जो बोलना है बोलो. अब इसी में होने वाला था भयंकर कॉन्फ्लिक्ट, जलन होने वाली थी, क्योंकि आपस में भाईचारा तो था नहीं, है ना. अब ये लोग नेशनलिज्म के नाम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले थे. धीरे धीरे जो रोमांटिक नेशनलिज्म और ये जो नेशनलिज्म की भावना है, जब यूरोप से फैल रही थी, जब बाल्कन रीजन में पहुंची, तो लोगों ने इसे थोड़ा गलत इंटरप्रेट किया. लोगों को इतना तो समझ आ गया कि यार हम ऑटोमन एम्पायर के अंडर क्यों रहते हैं, बाल्कन रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंडर क्यों है, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया कि आपस में भाईचारा मेंटेन करना चाहिए. तो इन सारे लोगों ने ठान ली, मतलब मैकेडोनिया, ग्रीस, अल्बेनिया, सबने ठान ली कि अब ये ब्रेक अवे करेंगे. धीरे धीरे सब लोग इंडिपेंडेंस की मांग करने गए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये लोग आपस में जेलस थे. तो एक वेन डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करती हूं, आई होप इट हेल्प्स यू. तो बाल्कन रीजन में दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट थे, एक तो था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक था एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, जैसे आप मान लो क्लास टेंथ ए टेंथ बी, टेंथ ए का क्रिकेट मैच है टेंथ बी के साथ, तो एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जहां आपको मैच लड़ना है दूसरी क्लास के साथ, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका आपस में, मतलब क्लास टेंथ है आपस में भी लड़ रही है, बच्चे आपस में भी बहुत झगड़ा कर रहे हैं. तो दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो गए. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था क्योंकि स्लैव्स आपस में जेलस थे, स्लैव्स को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हम अपने हाथ में ले लें, जब इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं. और आउटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बच्चा बिकॉज ऑफ द बिग पावर राइवलरी. वाई बिग पावर, क्योंकि जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे जैसे जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, पॉपुलेशन तो हर जगह एक्सप्लोर कर रही थी. इन लोगों को लग रहा था कि यार किसी ऐसी कंट्री पे कब्जा करते हैं जहां बहुत सारे रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, एनर्जी रिसोर्सेज हो. तो वो बाल्कन पे नजर गड़ाए बैठे थे कि कब ये लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाएं और कब हम बाल्कन पे कब्जा कर लें. तो इंटेंस बिग पावर राइवलरी, वो आपस में लड़ रहे हैं कि बाल्कन पे कब्जा करें, बाल्कन वाले इंटरनली लड़ रहे हैं कि हम बाल्कन पे कब्जा कर लें. तो बाल्कन बन गया था एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इस पे आएगा पांच नंबर का क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम बाल्कन की ज्योग्राफिक एथनिसिटी से लेके आपको सारे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं. तीन नंबर का है तो यू कैन कट डाउन दैट पॉइंट, यू कैन जस्ट ऐड दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. और एक बात बताऊं, ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था ना, यही रीजन बना बच्चा, अरे कहां गया,
हाँ यही रीजन बचा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. वैसे तो काफी सारे रीजन थे, लेकिन जो बड़े बड़े नेशन आपस में लड़ रहे थे ना, यही रीजन बाद में जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर हमारा नाजीज आए, वो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो. फिर नाजीज आए, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर वो भी ओवर हो गई. फिर धीरे धीरे कंट्रीज को चमका, यार बहुत हो गया, अभी इनसे अलग होना पड़ेगा. जैसे इंडिया को 1947 में चमका, इजिप्ट को उससे भी बाद चमका, साउथ अफ्रीका को उससे भी बाद चमका. तो धीरे 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 करके व्हेन कंट्रीज ब्रोक अवे फ्रॉम दिस बिग यूरोपियन पावर्स, तब इंपेरियलिज्म खत्म हुआ और एंटा इंपेरियलिज्म मूवमेंट के साथ दुनिया में नेशन स्टेट आई. तो आज आप जो इतनी कंट्रीज देखते हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑल ऑफ दैट एग्जिस्टेड बिकॉज आर फोर फादर्स हैव फॉट फॉर इट. सो दिस वॉज द एंटायर चैप्टर. आई होप यू एंजॉयड इट. एंड डोंट फॉरगेट, इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस वे, देन यू कैन ज्वाइन आवर प्लस कोर्स. बचा 25th ऑफ जनवरी से दो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं. एक हो रहा है आपका वन शॉट रिविजन SST के लिए, और बायोलॉजी का स्क्रैच से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आई एम ब्रिंगिंग यू अ कोर्स. इफ यू वांट टू सिक्योर 133 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, यू कैन श्योर ज्वाइन अस एंड यूज द कोड शुभ लाइव. अभी होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, मुझे इसका आंसर बता देना, ठीक है, कॉमेंट्स में, सो दैट आई नो तुमको कुछ आया समझ. सो यू कैन पॉज द वीडियो, सी इट, डोंट गूगल इट, एंड पुट द कॉमेंट बिलो. And thank you so much. You can check out our quiz. Please do that. It is free of cost. And please tell your friends about it. And subscription ka page ye raha. If you think aapko sirf board exam pe focus karna hai, then you can take it for 6 months. If you think you have to secure great marks in 12th also, I will suggest the 24 months kyunki ispe maximum discount hai. Aur extra discount chahiye ho aur meri class attend karne ka man kare, then you can use the code SHUBHLIFE. And like I always say, the beauty of this subscription is that you choose your own teacher. We don't tell you whose class to attend. So thank you, and I'll see you next time. Bye bye.